ट्रैवलिंग स्टूडेंट कैसे जी आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंट्री टेस्ट के लिए। आज आप लोगों का FLP भी है, सिलेबस आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ईजी टेस्ट है, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा और घबराना जो है वो बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने। जो क्वेश्चन आता है पहले उसको सॉल्व करें, जो नहीं आता फिर उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नरेशन जो है वो स्टार्ट की थी और नरेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब नरेशन में हम लोगों ने, वालेकुम सलाम मरियम, नरेशन में हम लोगों ने क्या किया था? नरेशन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना सीखे थे। फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोगों ने टेंस को कब चेंज करना है। टेंस के चेंज करने के बाद हम लोगों ने जो है वो ये भी देखा कि इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम लोगों ने उसका क्या करना है। इंट्रोगेटिव के बाद हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए उसमें हम लोगों ने क्या करना है। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो उसमें हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है उसको, या कौन कौन से रूल जो है वो अप्लाई करने हैं, ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज जो है वो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें खुशी या गम का इजहार किया जाए, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो कहते हैं। आज हम लोग वो देख लेंगे, वालेकुम सलाम हादिया, आज हम लोग वो देख लेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, अगर हमारे पास डायरेक्ट में इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाए तो इनडायरेक्ट में हम लोगों ने इसको कैसे कन्वर्ट करना, आज हम लोग उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश है और नरेशन, नरेशन में हमारे पास क्या है जी? नरेशन में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी है। अच्छा तैयबा, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अच्छा जी, एक एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो कौन कौन से रूल अप्लाई करके उसको हम लोगों ने जो है वो सॉल्व करना। हमारे पास सेंटेंस है जी, सेंटेंस है ही सेड, इनवर्टेड कॉमास, कॉमा, आई या इसको कर दें, आई गॉट फर्स्ट प्राइज। रूल देख लीजिए, रूल आप लोगों के क्या होते हैं? रूल आप लोगों के ये है, रूल आप लोगों के ये है, फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच को कन्वर्ट करना है। कब कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? रिपोर्टेड स्पीच को आप लोगों ने देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग लेके आनी है। रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग क्या आएगी? एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा, या आप लोगों के पास आ जाएगा विद सॉर्व। अच्छा, एक्सक्लेम विद जॉय कब आएगा? वालेकुम सलाम अख्तावर, एक्सक्लेम विद जॉय कब आएगा, एक्सक्लेम विद सॉरो कब आएगा, इसको भी आप लोग देख लें। देखें, जब आप लोगों के पास वर्ड आए, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड आए, जब आप लोगों के पास रिपोर्टेड स्पीच में ये वाली वर्डिंग आए,
जब आप लोगों के पास रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, ये वाली आप लोगों की रिपोर्टेड स्पीच है उसमें ये वाली वर्डिंग आए तो ये क्लू है, या ये किस चीज को डिस्कस कर रहा है, ये खुशी का इजहार जो है वो कर रहा है या जॉय को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। तो जब आप लोगों के पास ये वाली वर्डिंग आए, ये क्लू है आप लोगों के पास, किस चीज का क्लू है कि आप लोगों की एक्सप्रेशन हो रही है, किस चीज को एक्सप्रेस किया जा रहा है, जॉय को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो जब भी ये वाले वर्ड आए तो ये जॉय को एक्सप्रेस करने का जो है वो साइन होते हैं। अब देखें हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर कैसे करना है। हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रिपोर्टिंग है, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। मैं ये कह रहा हूं जब आपके पास रिपोर्टेड में ये वाली वर्डिंग आए, ये आप लोगों के पास वर्डिंग आए, ये आप लोगों का एक्सप्रेशन होता है, किस चीज का एक्सप्रेशन होता है, जॉय का एक्सप्रेशन होता है। तो जब ये वाली वर्डिंग आए आपने अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को किस में कन्वर्ट कर देना है, आपने सेट को किस में कन्वर्ट कर देना है, आपने सेट को एक्सक्लेम इन जॉय में कन्वर्ट कर देना है। लेट्स सपोज हमारे पास है जी, सेट है, सेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, और फिर उसके बाद हमारे इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके हम लोग दैट लगा देंगे। ये वाली वर्डिंग जो है वो नहीं लिखते हम लोग, हुर्रे हो गया। ठीक है, तैयार आप लोगों का, आप लोगों के पास एक और वर्ड है याहू, और ये याहू मेल वाला नहीं है, ये एक्सप्रेशन है आप लोगों का, अजवाई का एक्सप्रेशन है। अच्छा, इस वाली वर्डिंग को हम लोग नहीं लिखते, हमारे पास कॉमा में जो आ जाती है इसको नहीं लिखते हम लोग। क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली अपना सब्जेक्ट वर्ब जो है उसको लिखेंगे। अब हम लोग चले जाते हैं पर्सन प्रोनाउन पे, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है हमारे पास ही। हमारे पास टेंस कौन सा है ये देखिएगा, पास्ट है, अच्छा आपके पास हुरे है, आहा है, हुरे, आहा, याहू, ये आप लोगों के पास वर्ड है और ये आप लोगों का एक्सप्रेशन होता है, किस चीज का एक्सप्रेशन होता है, आपके जॉय के एक्सप्रेशन है उसको। अब ये देखिए हमारे पास, हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू हमारे वर्ड के, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन के हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये एक्सप्रेशन किस चीज का, ये एक्सप्रेशन जॉय का, तो हम लोगों ने जो है वो लगा दिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ठीक है जी, एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो भी लगा लेते हैं ये। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने देखना है पर्सन प्रोनाउन चेंज हो गया, पर्सन प्रोनाउन चेंज करने के बाद हम लोगों ने देखना है हमारा टेंस है वो कौन सा है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट है वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नेक्स्ट से मुराद है कि प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस है वो आप लोगों के पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये वाला टेंस हमारे पास कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताइएगा जी। आई गॉट फर्स्ट प्राइज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, या पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, जल्दी से मुझे ये बताइएगा ये टेंस कौन सा है और इसको कन्वर्ट किस में करेंगे। हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा था और उसमें सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई थी कि आप लोगों का अगर प्रेजेंट का हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अगर पास्ट का हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा, और अगर आप लोगों का फ्यूचर का सेंटेंस है तो वो आप लोगों का किस में कन्वर्ट होगा। तो आप लोगों ने जल्दी से मुझे बताना है ये टेंस कौन सा है, पहले तो ये बताना है। पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है जी, अनिबा कह रही जी पास्ट इंडेफिनिट था और किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल ठीक। हमारे पास ये पास्ट का है कैसे पता चला, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, पास्ट का। पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास क्या आएगा, ठीक है बिस्मा, ठीक है सरिता, आपका भी ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट हम लोगों ने लगा दिया हैड, फर्स्ट प्राइस, ठीक है जी, ये सेंटेंस देखें ठीक है, या इसमें मिस्टेक नजर आ रही है।
अच्छा, अब हम लोगों ने कन्वर्ट कैसे किया, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से क्या मराते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्सप्रेशन हो, किस चीज का एक्सप्रेशन हो, सॉलो का एक्सप्रेशन हो या ज्वाय का एक्सप्रेशन हो, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कहते हैं। कन्वर्ट कैसे कहते हैं, रूल आप लोगों के पास है, हम लोगों ने क्या करना है, एक्सक्लेम इज ज्वाय, एक्सक्लेम इज सॉलो, कब लगाना है, अकॉर्डिंग टू अपने रिपोर्टेड स्पीच, हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो चेंजिंग करनी है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगा देंगे और बाकी रूल जो है वो वही है जो हम लोगों ने पहले किए। कौन से रूल हैं कि आप लोगों ने किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करना है और फिर आप लोगों ने टेंस जो है वो किस तरह से चेंज करना है, वो रूल आपके जो पहले हम लोगों ने सीखे थे वो वाले भी अप्लाई होंगे, वो उसी तरीके से अप्लाई होंगे। और उसके साथ आप लोगों के दो और रूल हैं, वो क्या है जी, आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग अपना जो है वो लगाना, ठीक है, समझ आ गया जी किस तरह से जो है वो आप लोगों ने इसको चेंजिंग जो है इसमें करनी होगी। एक तो और सेंटेंसेस लिख लेता हूँ, उसको आप लोग कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हमारा। अच्छा जी, सेट इनवर्टेड कॉमास लास्ट। अच्छा, आप लोग ये देखें जी, हमारे पास सेंटेंस है, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको देखना है और उसमें एक्सप्रेशन को देखना है, आप लोगों का जो है वो कौन सा एक्सप्रेशन, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने चेंजिंग करनी है। किसमें चेंजिंग करनी है, अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है आप लोगों ने, आप लोग इसको जो है वो रिफ्रेश कर दीजिए एक दफा। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर दिया आप लोगों ने, अच्छा जी, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद, अभी भी क्या प्रॉब्लम है, अच्छा जल्दी से बताइएगा जी, क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, अब इसको आप लोग कन्वर्ट कर दे जल्दी से। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे आप लोगों के पास एक्सप्रेशन नहीं है, किस चीज का एक्सप्रेशन नहीं है, आप लोगों के पास ज्वाय का और सौरव का एक्सप्रेशन नहीं है, अच्छा जिसमें एक्सप्रेशन ना हो, जॉय का सौरव का एक्सप्रेशन ना हो। अब ये वाला सेंटेंस है, ये किसको, बल्कि आप लोग इसको पहले सॉल्व करें फिर हम लोग इसको देखते हैं जी, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करें जी। ये आप लोगों के पास डायरेक्ट है, आप लोगों ने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, रूल आप लोगों के पास लगे हुए हैं, आप लोगों ने इन रूल्स को देखना और इसको जो है वो सॉल्व कर देना है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करें, ठीक है जी, क्लियर हो गया, आप लोग सॉल्व करें जल्दी से, जल्दी करें जल्दी। He said
It is it? It's sorrow. ठीक है जैमल, ठीक है, जल्दी से आप लोग करें जी, जल्दी जल्दी करें, फिर हम लोगों ने अगले नेक्स्ट जो है वो टॉपिक अपना करना विद वॉन्डर. ठीक है शीशा, शीशा ठीक है आपका. वॉइस इशू है जी, वॉइस इशू है, ठीक है वॉइस ठीक है. एक दफा रिफ्रेश कर लेना अगर प्रॉब्लम होगा, अगर आप लोगों को वीडियो का प्रॉब्लम होता है, वॉइस का प्रॉब्लम होता है, तो एक दफा रिफ्रेश कर दीजिए. ठीक है जी सईदा, आपका भी ठीक है, शीशा आपका भी ठीक है. देखिए हम लोगों ने दो एक्सप्रेशन पढ़े थे, या दो एक्सप्रेशन का इजहार जो है वो किया जा रहा है यहाँ पे. लास्ट का हुरे का जॉय और जो सौरव है उसके जो है वो एक्सप्रेशन है. तो जिसमें जॉय और सौरव का एक्सप्रेशन ना हो उसमें वॉन्डर का एक्सप्रेशन होता है. वॉन्डर का मतलब हैरान होना. तो किसी भी चीज़ को देख के हाउ हाई द माउंटेन इज, हैरान होना. ठीक है इसको रिफ्रेश कर देना हफ्ता एक दफ़ा. और इसी तरीके से यहाँ भी आप लोगों का एक्सक्लेम विद वॉन्डर, एक्सक्लेम विद वॉन्डर, बाकी आप लोगों का सेंटेंस उसी तरीके से आएगा. और हम लोग स्टार्ट में क्या लगा देंगे, और इसमें चेंजिंग आप लोगों की थोड़ी सी और चेंजिंग होगी. वो और चेंजिंग क्या है कि जी आप लोगों का सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वो बाद में, फिर उसके बाद जो है वो. इसको कर लेते हैं जी हम लोग. क्या आएगा आप लोगों का सेट कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सक्लेम विद वॉन्डर दैट, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हमने क्या किया, दैट लगा दिया. How? अच्छा that mountain was high. अच्छा सेकंड वाला देख लें जी, ये वाला, ये हमारा ये आ गया. अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ही सेट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेम विद वॉन्डर, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हम लोग क्या करेंगे, दैट लगाएंगे. और इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उस स्ट्रक्चर में करेंगे. और हमारे पास सब्जेक्ट क्या है जी, इट इज है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट वॉज अ लवली प्लेस. इस चीज को आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा जहन में रखना है कि आप लोगों ने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का. अच्छा शीजा आपने ठीक किया, लेकिन आपने टेंस जो है वो इसमें चेंज नहीं किया, बस उसी उसका ख्याल रखना है, बाकी आप लोगों का ठीक है. इट वॉज अ लवली प्लेस, ठीक है अनिबा, ठीक है जी आपका. हाउ जो है वो नहीं आएगा, तो ये दो सेंटेंसेस है, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है वो आप लोगों की अमेंडमेंट होगी इसके स्ट्रक्चर में, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, बाकी आप लोगों का ठीक है, बाकी आप लोगों का इजी. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने
सिंपली जो है वो सेट को कन्वर्ट कर देना है, जिसमें एक्सक्लेम जॉय, एक्सक्लेम सोरो में कन्वर्ट कर देना है या वॉन्डर में कन्वर्ट कर देना है, तीनों चीज़ें जो है वो आप लोगों के पास है। इट वॉज अ लवली प्लेस। ठीक है हबीबा, शाबाश, ठीक है बैटरी देख लेते हैं तहरीन। अच्छा समझ आ गया जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब मुझे ये बताइएगा नरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नरेशन में हमने क्या किया, नरेशन में हम लोगों ने पर्सन पर नॉन चेंज किया, नरेशन में हम लोगों ने टेंसेस चेंज किए, नरेशन में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव किया, इंट्रोगेटिव को हम लोगों ने असर्टिव में, असर्टिव क्या होता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपल आप लोगों का सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग असर्टिव कहते हैं। ठीक है दानिया, ठीक है बख्तावर, आपका भी ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दीजिएगा नरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो। यस्टरडे के साथ सिंस आएगा। अच्छा खुसैम, लेट वाले कर लेते हैं, लेट वाले भी कर लेते हैं। अभी तक जो किया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। और कौन कौन से किया मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने पर्सनल पर नॉन चेंज करना सीखा है, पर्सनल पर नॉन कैसे चेंज किया था एक दफ़ा मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट कम्प्लीट है मनीब, एक दो चीज़ें और हैं जो हम लोग अभी करके इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, नरेशन के जो रूल्स हैं वो आप लोगों से कम्बिनेशन मिस्टेक में पूछेगा या एरर में पूछेगा। एरर में कैसे पूछेगा, अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था कि हमारे जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। किसमें कन्वर्ट कर दिया था, असर्टिव में। तो वो आपसे नरेशन तो नहीं पूछेगा लेकिन यहाँ के जो रूल है वो सारे आप लोगों से पूछेगा। हाँ इसके MCQs कैसे बनते हैं वो भी हम लोग जो है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये आप लोगों से पूछेगा कैसे। अच्छा लेट वाला हम लोग लास्ट वाला कर लेते हैं, लेट के बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नरेशन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों के पास मैसेंजर का ऑप्शन है, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। लेट वाला कर देते हैं फिर हमारे जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे। देखिए जब आपका लेट आएगा सेंटेंस में तो आपने क्या करना होगा, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो सजेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा वो मैं वही तो बता रहा हूँ आपके MCQs कैसे आएंगे मुनीब, वो सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा एक एग्जांपल है जी, वो कह रहे हैं कि जी दे सेड इन्वर्टेड कॉमास लेट्स प्ले क्रिकेट। अगर आप लोगों के पास लेट वाले सेंटेंसेस आ जाए डायरेक्ट में तो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। देखें जब आपके पास लेट वाले सेंटेंसेस आ जाएं तो आपने क्या करना है, सेट को किसमें कन्वर्ट कर देना है, सेट को आपने कन्वर्ट कर देना है सजेस्टेड में। रूल में अगर लिख लेता हूं, आप लोगों का जो रिपोर्टिंग स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच है सेट कन्वर्ट हो जाएगा सजेस्टेड में, सेट कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी सेट कन्वर्ट हो जाएगा सजेस्टेड में। वीडियो अगर स्ट्रक हो रही है तो आप लोग इसको एक दफा रिफ्रेश कराते हैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे बताते हैं, मैं इधर से फिर देख लेता हूँ। अच्छा आप लोगों के पास अगर तो लेट आ जाए तो सेट कन्वर्ट हो जाएगा सजेस्टेड में, और दूसरा आप लोगों की जो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या करेंगे शुड का एडिशन जो है वो कर लेंगे। दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के, वो दोनों तरीके हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने अपना सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट करने। हम लोग पहले इजी वे देख लेते हैं फिर हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो शुड लगाना। दे इसी तरह से आएगा हमारा, सेट को किस में कन्वर्ट कर देना है हमने सजेस्टेड में। दे सजेस्टेड एक
वे है कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके दैट लगा दें, और दूसरा वे है कि हम लोग दैट का एडिशन जो है वो नहीं करेंगे। तो हम लोग पहले इजी वे से कर लेते हैं। दे सजेस्टेड प्लेइंग क्रिकेट। एक तो ये हमारे पास वे है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास के शुड का एडिशन जो है वो हम लोग कर लेते हैं, दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं जी। दे, अब इसमें चेंजिंग देख लीजिएगा, इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा। दे सजेस्टेड दैट दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। They should play cricket. अच्छा सईदा, मैं अभी बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो आपको पूछेगा। ठीक है अनीबा, आपका भी ठीक है, शाबाश। और हबीबा, आपका भी ठीक है, शाबाश। देखिए दो वे हैं इसके कन्वर्ट करने के। फर्स्ट वाला, अगर आप शुड नहीं लगाते तो फिर आप आई एन जी फॉर्म लगाएंगे, और अगर आप शुड लगाते हैं। तैयबा, लेट का जो सेंटेंस आपके पास आएगा, आपने उसको उसकी जो फर्स्ट है जो रिपोर्टिंग है उसको सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देना होगा। समझ आ गया जी, दो वे हैं, दोनों आप लोगों के पास लिख लिए हैं। अगर आप शुड जो है वो नहीं लगाते तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमास दैट भी नहीं लगाएंगे, और आप इसकी आई एन जी फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। दूसरा ये है कि आप इसको शुड लगा के इसको कंप्लीट कर दें। और यहाँ भी याद रखिएगा, शुड जो है वो आपका सबके साथ आएगा, चाहे वो दे है, चाहे वो हुई है, चाहे वो ही है, शी है, जो भी है, आप लोगों का सबके साथ जो है वो आप लोगों का शुड आएगा। ठीक है फिराज, शाबाश, समझ आ गया जी। लेट वाला हमारे पास था कि अगर हमारे पास, ये थोड़ा सा आपका एक्सेप्शनल केस था कि इसमें जो है वो हमारे वो रूल जो हम लोगों ने पुराने किए वो अप्लाई नहीं होने थे, इसके अपने जो है वो एक आध रूल था जो हम लोगों ने कर लिया। अब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब नरेशन की बात करें, पर्सनल प्रोनाउन, टेंसेस चेंज करना, इंट्रोगेटिव आप लोगों के पास, इंट्रोगेटिव के बाद आप लोगों के पास इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और फिर हमारे पास अगर लेट वाले सेंटेंसेस आ जाए तो हम लोगों ने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जल्दी से पूछ लीजिए। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है जी, ठीक है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा ये शुड वाला ही तो किया है, ये क्या नज़र आ रहा है मुनीब? अच्छा टू टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा सजेस्ट के साथ। ठीक है समझ आ गया। अच्छा सही बात, टू जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग इसको इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके जो है वो लगा लेते हैं, अपना दैट लगा लेते हैं अगर हमने शुड के साथ करना हो, और अगर हमने शुड के बगैर करना हो तो हम लोग आई एन जी फॉर्म जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, नरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। अगर प्रॉब्लम अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप लोग मैसेंजर में सेंड कर दीजिएगा, उसको कोशिश करेंगे हम लोग सॉल्व कर लें। फिर
अच्छा अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो है वो एरर आते हैं जी, किस किस्म के एरर आते हैं कि हम लोग जो है वो रिपीट कर दें। अच्छा एक और चीज़ है कि ये आप लोगों के एमसीक्यूज कैसे आएंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने लास्ट जो है वो डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने अपनी कॉम्बिनेशन मिस्टेक जो है वो करना है। नरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से एक दफ़ा मुझे बता दीजिएगा नरेशन में कोई प्रॉब्लम। ठीक है फरासत रबिया अरीबा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी अगर तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ता है तो आप लोग मैसेंजर में सेंड कर दीजिएगा, अनीबा मैसेंजर में सेंड कर दीजिएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है अच्छा हम लोग अपना जो लास्ट हम लोगों ने किया था नरेशन से पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक की थी। ठीक है बख्तावर शहजादानिया, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक की थी, उसी लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। स्किप इसलिए किया था क्योंकि दो रूल थे जिसकी वजह से ये सारी नरेशन हमें करना पड़ी, और अच्छा हुआ कि आप लोगों को समझ नहीं आया और हम लोगों ने जो है वो नरेशन कर लिया। अगर वो आप लोगों को समझ आ जाते तो शायद फिर हम लोग जो है वो नरेशन ना करते। तो नरेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दीजिएगा। अच्छा जी मुनीब को बता दें जिसको कोई प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है मुनीब मैंने कह दिया, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगा वो मुनीब को बता दें नरेशन में जिसको प्रॉब्लम होगा। अच्छा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी वर्ड यूजेज ऑफ वर्ड जो है वो किस तरह से हमने करना है। ये कॉम्बिनेशन मिस्टेक के बाद यूजेज ऑफ वर्ड का हमारा जो है वो चैप्टर आ जाता है, या रिपीटेशन का जो है वो लेक्चर है या टॉपिक है कि हमने चीज़ों को जो है वो रिपीट नहीं करना, बार बार रिपीट जो है वो नहीं करना। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, किन चीज़ों को आपने रिपीट नहीं करना। आपने सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना, मतलब एक सेंटेंस है उसमें आपने दो दफ़ा सब्जेक्ट जो है वो नहीं लगाना। अच्छा रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो हम लोगों ने अवॉइड करना है। अच्छा जी ओनली मुनीब, ठीक है जी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स से हम लोगों ने अवॉइड करना है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड में क्या मुराद है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड से मेरी मुराद है कि हमने एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जो है वो नहीं लगाने। एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, अली रिवाइज्ड द लेक्चर एंड ही कट इट शॉर्ट। आज वो कैबलरी आनी है जी, मुनीब बता दे, मुनीब इनको बता देना आज वो कैबलरी आनी है। अच्छा हमारे पास सेंटेंस लिखा आ गया, मैं ही कह रहा हूं कि हम लोगों ने रिपीट नहीं करना, किस चीज को रिपीट नहीं करना, सब्जेक्ट को हम लोगों ने रिपीट नहीं करना। हम लोगों ने सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना, एक सेंटेंस में दो दफा सब्जेक्ट है वो नहीं लगाना। देखें हमारे पास ये एक सेंटेंस है, यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। हमने क्या किया, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया अली रिवाइज द लेक्चर एंड ही कट इट शॉर्ट। मुझे ये बताइएगा जल्दी से इसको देख के कि हमारा दूसरा सब्जेक्ट कहाँ पे है। इस सारे सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट हमारे पास ये आ गया, दूसरा सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है जल्दी से बताइएगा। या इसमें आप लोग एरर को खुद ही स्पॉट करेंगे जी, एरर को खुद स्पॉट करें जल्दी से बता। ठीक है जी मुनीब ने कह दिया तो आप लोगों की वोकैबुलरी आनी है। आप लोगों ने जल्दी से इसको देखना और इसमें मुझे ये बताना है कि आप लोगों का रबिया, ठीक है अली शाह हमजा अनीबा शाबाश, आप लोगों का ये वाला जो है ये भी आप लोगों का सब्जेक्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों का सब्जेक्ट
एक ही सेंटेंस में आप लोग उसको दो दफा रिपीट नहीं करेंगे या उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे एक ही सेंटेंस में, अगर आपने एक दफा जो है वो मेंशन कर दिया सब्जेक्ट को, क्लियर। अगर हम लोग इसके एरर की बात करें तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लाइक आपसे वो कहते हैं कि जी ए है हमारा, बी है हमारा और सी है, ए बी सी, स्पॉट द एरर, आपको कहते हैं जी स्पॉट द एरर। एरर किधर है आप लोगों का? आप लोगों का एरर जो है वो बी में है। बी में क्यों एरर है? क्योंकि बी में आप लोगों का सब्जेक्ट रिपीट हुआ है, अली रिवाइज द लेक्चर एंड कट इट शॉर्ट, ही जो है वो आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप ऑलरेडी उसको मेंशन कर चुके हैं। कई बार सी नहीं है आप लोगों का, बी है। सी क्या कर रहे हो आप लोग? मिस्टेक जो है वो आप लोगों की बी में है। बी में क्या मिस्टेक है? मिस्टेक भी देख लें कि हम लोग अपने सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में। देखें यहां पे हमारा फुल स्टॉप है तो एक ही सेंटेंस बना हुआ, तो हम लोग एक ही सेंटेंस में दो दफा इसको रिपीट कर रहे हैं और इस रिपीटिशन से हमने बचना है। क्लियर है? ठीक है। अलीशा, फरासत, बख्तावर, अच्छा ठीक है, ठीक लग रहा है, ठीक है जी, समझ आ गया। आपने रिपीटिशन से बचना है, अगर आप लोगों के एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आ गया तो आपने दूसरा जो है वो नहीं लगाना, और दूसरा अगर लगाएंगे तो वो एरर कंसिडर किया जाएगा। समझ आ गया? सब्जेक्ट आप लोगों ने रिपीट नहीं करना। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा कि आप लोगों ने जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है उसको भी रिपीट नहीं करना। मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि दिस इज द फूड विथ विच आई वॉन्टेड टू बी एसोसिएटेड विथ, नजर आ रहा है वैसे? अच्छा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। एसोसिएटेड अच्छा, अब इसमें करना क्या है जी? देखिए, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन्स है। आप लोग इसको एक दफा रिफ्रेश कर लीजिए। एक दफ़ा आप लोग रिफ्रेश कर दें और वीडियो जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बता दें। अच्छा, हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे हमने रिलेटिव प्रोनाउंस है उसको रिपीट नहीं करना, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है वो रिपीट हुआ है। तो आप लोगों का अगर आपसे पूछ लेते हैं कि जी ए बी और सी, तो आप लोगों का एरर कहाँ पे है, तो आप लोगों ने इसको स्पॉट कर देना है कि आप लोगों का बी में जो है वो एरर है। वो एरर क्या है वो भी देख लेते हैं। हमारा राइट सेंटेंस जो है वो ये होगा, दिस इज द स्कूल विथ, इसको हम लोगों ने रिपीट नहीं करना रिलेटिव नॉन को, विथ विच आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड।
क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो होता क्या है। जब तक आपको रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं पता तो आप लोगों का सेंटेंस जो है वो ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसी चीज को कन्वर्ट कर देते हैं कि जी आप लोगों ने प्रेपोजिशन जो है उसको भी रिपीट नहीं करना। अब यहां भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रेपोजिशन को आप लोगों ने रिपीट नहीं करना। इसी सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, प्रेपोजिशन को रिपीट नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है कि जी आप लोगों ने जो है उसको रिपीट नहीं करना। आप लोगों का जो प्रपोजिशन है वो यहाँ पे भी रिपीट हुआ, यहाँ पे भी, एक सेंटेंस में दो दफा चीजों को रिपीट नहीं करना। आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को रिपीट नहीं करना या सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना, आप लोगों ने प्रपोजिशन को रिपीट नहीं करना, और आप लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको रिपीट नहीं करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट सेंटेंस है उसमें हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। एक ही सेंटेंस में आप लोगों ने चीजों को बार बार जो है वो रिपीट नहीं करना। क्लियर है जी, कि आप लोगों ने सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना, आप लोगों ने बाकी चीजों को जो है वो रिपीट नहीं करना। अच्छा जी, एक और लिख लेते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास वर्ड ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और उनके साथ हम लोग क्या करते हैं जी, उनके साथ हम लोग नॉट नहीं लगाते, वो ऑलरेडी नेगेटिव जो है वो मीनिंग देते हैं। मैं वर्ड यहां पे लिख लेता हूं, हमारे पास वर्ड है, यहां पे लिख लेता हूं, हमारे पास वर्ड है नाइदर, हमारे पास वर्ड है फॉरबिड, हार्डली, अंटिल, अनलेस, अच्छा जी वांटेड आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ हमारे पास वर्ड है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं और इनके साथ हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। अब अगर तो हम लोग चले जाएं अपने नरेशन पे चले जाएं, नरेशन में भी हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था, वो रूल क्या था, ये फॉरबिड वाला, कि अगर तो हमारे पास ये वर्ड आ जाए उसके बाद हम लोग नेगेटिव जो है वो नहीं लगाएंगे, या उसके बाद हम लोग नॉट का डिसीजन जो है वो नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, एक एक सारे ऑलमोस्ट सारी एग्जांपल लिख लेता हूँ और फिर आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा। ही फॉरबिड नॉट टू गो। अब आप लोगों ने इसको करेक्ट करना कैसे करेंगे। अच्छा, वेरी और टू में क्या फर्क है। अच्छा, वेरी जो तैयबा, वेरी जो है वो आप लोगों का डिग्री है और ये आप लोगों का एक्टिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और टू का मतलब ऐसे होता है ये बी, यस ठीक है हबीबा, फॉरबिड टू गो। अब हमारे पास ये जो हमने रूल पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या हमने नरेशन में रूल पढ़ा है, ये आपसे पूछेगा कैसे, ये आपसे पूछेगा फोर ऑप्शन देके।
इस तरह से जो है वो आप लोगों को फॉर, ये थ्री ऑप्शन मैंने दिए, फॉर ऑप्शन दे देगा और उसमें से राइट वाला जो है वो आप लोगों ने चूज करना होगा। तो समझ आ गया, नरेशन जो है वो आप लोगों को नहीं देगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि नरेशन नहीं देगा। नरेशन से क्या मराद है कि वो सेंटेंस दे देता और कहते हैं कि इसको आप कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, इसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, इस तरह के सेंटेंस नहीं आएंगे। लेकिन वो जो रूल हम लोगों ने पढ़े वो रूल जो है वो अप्लाई करेगा और वो रूल अप्लाई करके वो इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से एग्जामिनर हो सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, शाबाश, बी वाला जो है वो आप लोगों का ठीक है, ये वाला आप लोगों का ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने, अच्छा टाइम हो गया, वैसे लाइट ऑफ होने वाली, अच्छा जी ठीक है जी, इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों का स्ट्रेस है उसको अच्छे तरीके से कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।